हाँ जी, तो दो दो टॉपिक्स हो चुके हैं आपके। एक कूलम्स लॉ हो गया पिछले दो वीडियोस में, और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया। अब तीसरी वीडियो में मैं आपको तो बताने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या है? तो अभी अगर कोई चार्ज क्यू है, ठीक, इस चार्ज क्यू के आसपास अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये उस चार्ज के ऊपर, यहाँ कह सकते हो वो वाला चार्ज इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लगाना शुरू कर देगा। ठीक, अब हमें क्या बताया जाता है कि जो चार्ज क्यू है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ तक होती है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होती है, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक होती है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये पॉजिटिव का चार्ज है तो पॉजिटिव का चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करता है अपने से, और कहाँ तक लेके जाता है उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को? इनफाइनाइट डिस्टेंस तक। तो सिमिलरली एक चार्ज जिस जो कि एक स्फेरिकल शेप में है, तो वो स्फेरिकल शेप में उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो हर तरफ जाएंगी, हर तरफ, ऊपर नीचे दाएं बाएं आपकी तरफ मेरी तरफ, हर तरफ जाएंगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब जब हर तरफ जाएंगी तो अगर मैं उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्लोज करना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक स्फीयर ड्रॉ करना पड़ेगा। ऐसी बात है, तो वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कवर अप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक स्फीयर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक, तो एक पर्टिकुलर एरिया जहां पर उस पर्टिकुलर चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करती हैं, तो वो पर्टिकुलर एरिया को नाम दे दिया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या है, द एरिया वेयर द अदर चार्ज कैन एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। मैंने मान लिया ये प्लस का क्यू चार्ज है, इसका ये दायरा है। ठीक है, इस दायरे में अगर कोई और चार्ज आ जाता है, क्यू नॉट चार्ज मान लिया मैंने, क्यू नॉट चार्ज आपको मैंने पहले ही वीडियो में बताया होगा कुछ ना कुछ कि क्यू नॉट के बारे में, ये होता है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज बेसिकली बोले तो जो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, तो क्यू अपने आप में क्या हो गया, वहां पर एक सोर्स चार्ज हो गया जो क्या करेगा, इस फोर्स को प्रोड्यूस करेगा। फोर्स को एक्सपीरियंस कौन करेगा, टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो अगर एक क्यू नॉट चार्ज इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में आ गया है, तो एक क्यू नॉट इस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वजह से एक फोर्स को एक्सपीरियंस करने वाला है। ठीक है, तो वो फोर्स एफ की वैल्यू क्या होगी, तो फोर्स एफ की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वजह से क्यू नॉट चार्ज क्या कर रहा है, फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, तो फोर्स एफ की वैल्यू हो जाती है क्यू नॉट ई। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई ना होके ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय द चार्ज इटसेल्फ। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी हुई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुई चार्ज क्यू नॉट क्यू की, कहां पर, इस पॉइंट पर। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन जा रहा होगा कि सर इस क्यू नॉट चार्ज ने इस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां पर एक्सपीरियंस करा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करने के बाद उसके ऊपर एक फोर्स लगा एफ, वो फोर्स किसके ऊपर लगा, क्यू नॉट के ऊपर फोर्स एफ लगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई किसकी निकली, चार्ज क्यू की, कैसे, फोर्स एफ अपॉन क्यू नॉट। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई किसकी है, चार्ज क्यू की, इस पॉइंट। अब दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसी पॉइंट पर क्यू नॉट की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो होगी कुछ ना कुछ, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। तो हम बेसिकली इस एक्सप्रेशन को ऐसे ना लिख के, अपने लोग इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखते हैं, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो एफ अपॉन क्यू नॉट, बस इसी एक्सप्रेशन में मैंने एक लिमिट को लगा दिया। क्यों लगा दिया भाई, क्योंकि मैं चाहता हूं इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो किसकी हो, क्यू की हो, तो अपने आप में जो क्यू नॉट है वो बहुत ज्यादा एक छोटा चार्ज है, दैट इज क्यू नॉट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू व्हाट, जीरो। अगर क्यू नॉट अपने आप में एक बहुत छोटा चार्ज होगा तो उसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, जीरो होगी, लगभग ना के बराबर होगी, तो वो क्या करेगा, सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो क्वेश्चन अपने आप में क्या बन जाता है यहाँ पर, क्वेश्चन कैन बी व्हाई डू वी कंसीडर टेस्ट चार्ज क्यू नॉट वेरी वेरी स्मॉल सो दैट इट डज नॉट डिस्टर्ब द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सोर्स चार्ज। क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को बहुत ज्यादा छोटा क्यों कंसिडर रहता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्लियर हो गई होगी आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई क्या होती है, फोर्स एफ जो क्यू नॉट एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उसको अगर मैं एफ को क्यू नॉट से डिवाइड कर दूं, मुझे ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाती है किसकी, एक सोर्स चार्ज की।
है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन वेयर अ पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज कैन एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ड्यू टू अ सोर्स चार्ज। ठीक है, तो बहुत ही क्लियर कट आपके ये टॉपिक्स हैं। इसके बाद अभी ये बहुत सिंपल पार्ट स्टार्ट हुआ है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इसके बाद आपका मेजर पार्ट स्टार्ट होगा, डायपोल आएगा, अभी कैपेसिटर आएगा, पोटेंशियल आएगा, वर्क डन आएगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगी, टॉर्क आएगा। तो बहुत टफ पार्ट अभी बचा है। दिस इज बेसिकली अ वेरी बेसिक नोट्स, तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है अभी। इसके बाद अभी आपकी टफनेस आने वाली है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। क्योंकि अगर आप इसी को लाइटली लोगे और इसको अच्छे से नहीं करोगे तो यकीन मानिए आगे के कंसेप्ट आपके ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा बेकार होने वाले हैं। तो बेसिक्स को जितना स्ट्रांग कर लोगे आगे के कंसेप्ट ऑटोमेटिकली उतने आपको इजी लगना शुरू हो जाएंगे। बट अगर आप इन्हीं को लाइटली लोगे, यार इसमें क्या है, ये तो हमें आता ही है, ये तो हम कर ही लेंगे, तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है, इन्हीं में क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करिए। और क्वेश्चन को एज एन असाइनमेंट जब भी टाइम लगेगा अपने टीचर से पूछिए, मुझे पूछिए, कमेंट्स बॉक्स में डालिए, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बट चीजों को आप इजी नहीं ले सकते यहाँ पर, फिजिक्स में बिल्कुल इजी नहीं ले सकते। इस बार के अगर मैं पेपर की बात करता हूँ तो अपने आप में वो पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं था, बस क्या था, पेपर लेंथ ही बहुत था। ठीक है, अच्छे बच्चे के पास भी 3 घंटे का टाइम, उसको ऐसा लग रहा था कि मेरे पास 3 घंटे भी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि पेपर उसको अच्छा खासा आता था, तो उसको टाइम चाहिए था अच्छे से लिखने के लिए, तो वो प्रॉपरली अपने टाइम को यूटिलाइज वहां नहीं कर पाए। ठीक है, तो मेरी आपसे ही एक रिक्वेस्ट है कि इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को, टॉपिक्स अपने आप में ये बहुत इजी लग रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, बट जब इनके एमसीक्यूज आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, वहां पर आप मार खा जाओगे, क्योंकि आपने इजी को इजी ले लिया। इजी को इजी नहीं लेना है, इजी को टफ लेके चलिए, आपका डिफिकल्ट पार्ट इजी हो जाएगा, ट्रस्ट मी। ठीक है, थैंक यू, इसको अच्छे से रिवाइज करिए। अगली बार जब आऊंगा तो मैं आऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, डायपोल को लेके, और तब तक आपका ये कंसेप्ट अच्छा हो जाना चाहिए।